हमारे यहां पंचदेव की पूजा होती है, पांच की पूजा कर सकते हैं आप, पांच की पूजा करने का अधिकार है आपको, छठवे की नहीं। अब वो पांच कौन कौन है सुन लो, भगवान नारायण, भगवान विष्णु एक, गिनो भगवान विष्णु एक, बोलो भगवान विष्णु एक, दूसरे सूर्य भगवान, सूर्य की उपासना आप कर सकते हैं, सूर्य विष्णु दो, तीसरा शिव, शिव मतलब शंकर द्वादश ज्योतिर्लिंग, इनकी पूजा आप करिए, भगवान विष्णु भगवान सूर्य भगवान शिव गणेश जी, और पांचवी माता भगवती शक्ति दुर्गा कामाख्या काली भद्रकाली महाकाली केला ज्वाला इत्यादि जितनी देवियां राधा सीता लक्ष्मी महालक्ष्मी सरस्वती, ये सब शक्ति में, ये पांच के सिवा यदि आप छठवे की पूजा कर रहे हैं फ्रॉड है, वो फ्रॉड भगवान है। जो आपके मंदिर में ही कितने फ्रॉड भगवान है बोलो, हाँ आप लोग किसी को भी मंदिर ले आते हो, किसी को भी भगवान बना के बिठाल देते हो, किसी को भी पति बना सकते हो क्या, फिर किसी को भी भगवान क्यों, एक में समर्पण करो अपने इष्ट में, मेरे इष्ट हैं भगवान श्रीमन नारायण, मेरा समर्पण अपने राम में है अपने कृष्ण में है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, देना होगा तो मेरे भगवान श्रीमन नारायण देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे, पर किसी से नहीं। समर्पण मतलब समर्पण कैसा, पत्नी की तरह कि पति देगा बासी रोटी तो पति ही खाएगी, पड़ोसी छप्पन भोग देगा नहीं खाएगी, क्या कहती हो, सही है कि गलत है। इष्ट समर्पण, आपके इष्ट होने चाहिए, इष्ट हो आपके इष्ट है ना, हाँ इष्ट कौन देता है, कुल देवता तो कुल से चलते हैं, पर इष्ट हमेशा, इष्ट हमेशा गुरुजी देते हैं, जैसे लड़की मांग भर ले अपने छोटी लड़की, दो साल चार साल पांच साल की बच्ची है ना, माँ को मांग भरते देखती है तो वो भी मांग भर लेती है, मैं भी माँ की तरह मांग भरूंगी, वो भी लिपस्टिक लगाएंगे मांग भर लेंगे, माँ देखो मैंने भी तुम्हारी तरह मांग भरी, तो बताओ उनकी मांग भरना वो लीगल है, बच्ची छोटी सी गुड़िया मांग भर लेती है कई बार माँ को देखकर, तो वो सही है नहीं, वो तो ऐसी है खेल है खिलौना है, जब तक पति ना मांग भरे तब तक मांग मान्य नहीं होती, बोलो हाँ। उसी तरह इष्ट कौन देते हैं, जैसे सिंदूर पति देता है उसी तरह इष्ट गुरु देते हैं, गुरु जो मंत्र देंगे जिनका मंत्र होगा वही आपके इष्ट होंगे, मंत्र नारायण का है तो इष्ट नारायण, मंत्र राम का है इष्ट राम, मंत्र कृष्ण का है इष्ट कृष्ण, कृष्ण राम और विष्णु में अंतर नहीं है, तीनों एक तत्व हैं, मंत्र शिव का है तो इष्ट शिव है, जो इष्ट है अपने इष्ट में विश्वास रखिए, अपने इष्ट में समर्पण कीजिए, दूसरों की बुराई मत कीजिए कि आप विष्णु जी की बुराई करने लग जाएं क्योंकि आपके इष्ट शिव जी हैं, हरि हरि ओ, शिव में शंकर में हर में और हरि में भेद नहीं है, जो शंकर में और नारायण में भेद मानते हैं वो मूर्ख हैं अज्ञानी हैं, हरि हरि ओर न भेदा, हरि और हर में भेद बोलो, हरि हरि और हर इनमें भेद, सब तत्व एक मूल, पांच तत्व ये एक ही है पर पांच रूपों में प्रकट इसलिए हैं कि तुम्हें जो रूप अच्छा लगे उसमें मन लगाओ, ये इसलिए एक को पांच भागों में डिवाइड किया गया है, मूल में एक, मूल नारायण तत्व है, शंकर जी भी भगवान नारायण का ध्यान करते हैं सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी, हाँ गणेश जी भी भगवान नारायण का ही नाम जपते हैं, फिर इसलिए अलग कुछ नहीं है, लेकिन ये पांच की पूजा कर सकते हैं आप, छठवे की नहीं, और देवता अब छठवे के लिए लिखा है कि और देवता चित्त न धरई, और देवताओं को चित्त पर रखने की जरूरत, लेकिन तुम तो हर जगह जाओ कहीं भी
आजकल आप सबको भगवान मानते हैं, सबको क्यों, सबको फिर आप सबको भगवान मानो, फिर कण कण में भगवान मानो, तब तो आप सही है। लेकिन सब भगवान, सब पति कैसे हो सकते हैं आपके? हर मर्द पति हो सकता है क्या? उत्तर दो। सब पति हो जाएंगे, सब भगवान हो जाएंगे? इसलिए भगवान कौन? जोर से, जोर से, भगवान कौन? एक भगवान श्रीमन्नारायण। भगवान किसे कहते हैं? चलो अब ये बताओ फटाफट, ये चश्मा वाले भैया, भगवान किसे कहते हैं? भगवान कौन सी परिभाषा ये तय करेगी कि ये भगवान है? भगवान किसे कहते हैं? परिभाषित करो भगवान को। नारायण, नारायण को भगवान क्यों कहते हैं? क्यों है वो भगवान? हाँ, सृष्टि को रचने वाले तो ब्रह्मा हैं, पालन करने वाले विष्णु हैं, संहार करने वाले शिव हैं, और आप कह रहे हैं भगवान नारायण है? ये फंसने वाली बात है, इससे आपका कल्याण नहीं है। सटीक बात, भगवान किसे कहते हैं? हाँ, जो पहले सब जानता हो, बिनु पग चले सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करें विधि नाना, ये भगवान ठीक है। ये तुलसीदास जी ने परिभाषा यही दी है। सुनो अब हम बताएं, कान खोल के सुनना और सदा याद रखना। कोई आपसे पूछे भगवान किसे कहते हैं, अब कोई कहे कि ये भी भगवान वो भी भगवान, तो आप कैसे बताएंगे कि नहीं भगवान सब नहीं हो सकते, एक भगवान है? कैसे एक को आप सामने लाएंगे? तो सुनो, जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाती हो, जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाती हो, लक्ष्मी जी जिनके चरण दबाएंगी वो भगवान है। भगवान का नाम है लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति दूसरा नहीं हो सकता। लक्ष्मीपति, हां आपने बताया सही था, पर उसे प्रमाण जब चाहिए तो। कोई पूछे कि भगवान कौन, तो बोलना जिन भगवान का एक नाम है लक्ष्मी, जोर से लक्ष, जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाएं वो भगवान है। लक्ष्मी जी किसी और के पांव नहीं दबाती। दबाया देखा कहीं आपने, सुना? इसलिए जो लक्ष्मी के पति हैं वो भगवान, और वही हैं राम, सीता लक्ष्मी और नारायण राम, राधा लक्ष्मी, कृष्ण नारायण। तो नारायण और लक्ष्मी ये भगवान है। कंफ्यूजन खत्म। भगवान ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य शास्त्री ज्ञान वैराग्य और चैव षड्नाम भगितीर्णः, ये छह गुण छह लक्षण जिनमें हो वो भी भगवान है। पर ये परिभाषाएं विद्वानों के लिए हैं, आप सब सामान्य जनमानस के लिए बस इतना जानो जो लक्ष्मीपति हैं।